और कितनी तोहिन करवाएंगे आप आखिर? कि सबके सामने उससे पूछा जाता है कि वो खुशखबरी कब सुना रही है, लोग उसे मुंह पर उसके बाज बोल रहे होते। और नूर अम्मी, नूर अम्मी के एहसास को कितनी ठेस पहुंच रही है, कभी सोचा भी है आपने? आखिर कर क्यों रहे हैं आप ये सब? ज्यादा दिन नहीं है आपकी हकीकत सबसे छुपी नहीं रहेगी, और जब हकीकत सबके सामने आएगी ना, तो नूर अम्मी और आफरीन के दिल पर क्या गुजरेगी, कभी सोचा है आपने? अंदाजा भी है आपका इस बात का? अर्जुन, किसी को हकीकत जानने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हो सकता है ये राज राज ही रहे। देखो ये बात सुकून से ठंडे दिमाग से सुनो और समझने की कोशिश करो। ये भी तो हो सकता है कि मैं राज राज में आफरीन को तलाक दूं, राज ही राज में अपनी इद्दत गुजार लूं, राज राज में मैं उसकी तुमसे शादी करवाता, तुझसे शादी करके और औलाद होने के बाद तुम आफरीन को मुझे लौटा दो। इस तरह तो मेरा राज राज है। क्या आपके कान वो सुन रहे हैं जो अल्फाज आपके लबों से निकल रहे हैं? काश इस मसले का कोई और हल होता। आप पागल हो गए? ना उनके नहीं, सब कुछ मुमकिन हो सकता है, सब कुछ मुमकिन हो सकता है अगर तुम चाहो। इतनी घटिया बात सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई आपकी? और अगर हिम्मत हो भी गई तो मेरे सामने मेरे मुंह पे बोलने की हिम्मत कैसे हुई? शर्म आनी चाहिए आप सब। मैं तुम्हारा बड़ा भाई, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं हो सकता। मैं कभी नहीं कह सकता ऐसा। क्यों नहीं हो सकता? क्या लोगों की दूसरी शादी नहीं होती? क्या लोगों की तलाकें नहीं होती? सब एक अरेंजमेंट है, जस्ट एन अरेंजमेंट, सिर्फ नूर अम्मी के लिए, नूर अम्मी की खुशी के लिए, इस घर की खुशी के लिए, इज्जत के लिए, सिर्फ इंटरेस्ट है। आप आफरीन से किस बात का मतलब? उसकी रूह की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप। और तुम चाहे जो भी समझो, मेरे पास मेरी कमी का, इस मसले का, नूर अम्मी को खुश करने का और कोई रास्ता नहीं। आपकी कमी दुनिया तक ना पहुंचे, इस खौफ ने आपको अंधा कर दिया। आप ये भी नहीं सोच कि आपके कैलकुलेशन ने रिश्तों के तकद्दस को फुचल के रख दिया? ये नहीं मुमकिन, ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता। देखो मुझसे जिंदगी में पहली बार तुमसे कुछ मांग रहा हूं, मैं जताना नहीं चाहता, लेकिन नूर अम्मी ने, मैंने तुम पे और तुम्हारी बहन पे कितने एहसान किए, जो कुछ भी किया तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा किया। अगर तुम मेरी बात वैसे नहीं मान रहे तो जो एहसानात तुम पे किए उनके बदले में ही करता हूं, क्योंकि मैं ये मदद किसी और से नहीं मांग सकता।